Hi, hello guys, I'm Yogendra and again in the second video of English drama. Friends, आज से मैंने एक डिसीजन किया. एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मुझे लगता है कि वन वे होता जा रहा है. तो मैंने इस वीडियो से डिसाइड किया है कि हम आपके कमेंट्स का जवाब जो है लाइव दिया करेंगे. तो फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो जो हमने ड्रामा पर किया, फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उस पर हमें तीन मेजर कमेंट्स मिले हैं जिनकी मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ. एक उज्जवल त्रिपुरा का कमेंट है, वो कहते हैं कि ग्रेट अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन. तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल. सो आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स और मुझे अच्छा लगेगा कि जो है आप बातें बताएंगे और हम इस क्वालिटी को और बेटर करते जाएंगे. दूसरा राजू कुमार राज कहते हैं, कहाँ से हैं मुझे नहीं पता. अगर आप लोग अपने कमेंट्स में ये भी लिख दिया करें कि आप कहाँ से हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर होगा कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं. तो आप जगह का नाम भी लिख दिया करें. तो राजू कुमार राज जी कहते हैं कि ड्रामा को डिटेल में वीडियो बनाएं. तो राजू जी, हम पूरी कोशिश में हैं और पहले जो है एक ड्रामा का बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री हम आपको दे देंगे जिससे कि आप पूरा ड्रामा, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ड्रामा का आ जाए. उसके बाद एक पूरी हम सीरीज रखेंगे जो मस्ट रीड प्लेज हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो उनकी एक पूरी हम सीरीज करेंगे और धीरे धीरे पूरे सिलेबस को कवर करेंगे. तीसरा जो इम्पोर्टेंट कमेंट है, विष्णुपंत कुलकर्णी जी कहते हैं, ये लगातार जो है कमेंट इनके हमें मिलते रहते हैं. तो बहुत अच्छा आप जो है जुड़े हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप निश्चित नेट क्वालिफाई होंगे. तो विष्णुपंत जी पहले तो प्रेज़ करते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लग रहा है, टीचिंग अच्छी लग रही है और साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी प्रेज़ कर रहे हैं कि ये जो वर्क हमने स्टार्ट किया है आप लोगों को टीचिंग करने का, ये बड़ा अच्छा है. थैंक यू. एंड आगे ये पूछते हैं कि हाउ मैनी वीडियोज विल बी गेट डेली. तो कुलकर्णी जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो है थोड़ा सा मुझे जैसा समय मिलता है और जैसा हमारा इंटरनेट साथ देता है, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो तो कम से कम, नहीं तो दो या तीन या चार, जितने हो सकेंगे मुझसे, एज मच एज पॉसिबल. सेकेंड थिंग कि जितना आपका रिस्पांस मुझे मिलता रहेगा, जितना अच्छा आपका रिस्पांस हमें मिलता रहेगा, हाँ आपके काम के वीडियोस बन रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो हम उतने ही जो है इंथुजियास्टिक तरीके से और मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे. तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के अपने वीडियो पर चलते हैं. यहाँ पर हम ड्रामा की बिगनिंग की बात कर रहे हैं, बिगनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा. आई होप बहुत क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, आप इजिली नोट कर लेंगे, नहीं तो हमारी बातों को ध्यान से सुने. तो सबसे पहले हम लोग बिगनिंग की, अगर इंग्लिश ड्रामा के बिगनिंग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं ड्रामा के बिगनिंग की बात नहीं कर रहा हूं. अगर मैं ड्रामा के बिगनिंग की बात करता तो आपको इटली और इजिप्ट ले चलता और लगभग हम लोग चलते 300 BC से और पहले. लेकिन यहां हम लोग केवल इंग्लिश ड्रामा की बात कर रहे हैं और इंग्लिश ड्रामा की अगर शुरुआत देखें तो ये एक रिलीजियस बिगनिंग है. इसलिए हमने सबसे बिगनिंग में पहला सेगमेंट क्या लिया है, रिलीजियस ड्रामा का. रिलीजियस ड्रामा की बिगनिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, और एक बात मैं यहां बताता चलो कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. हम लोग इसका केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे. सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए वो शेक्सपियर और शेक्सपियर के आसपास का, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट ड्रामा का है वो आता है 20th century और मॉडर्न ड्रामा में, साथ ही साथ वर्ल्ड ड्रामा का भी. यहां पर रिलीजियस ड्रामा में देखें, इसको हम लूजली जो है फोर टाइप्स में, फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक आता है मिस्ट्री प्लेस. मिस्ट्री प्लेस क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. मिस्ट्री प्लेस जो है वो बाइबलिकल स्टोरीज पर बेस्ड होते हैं, मींस गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज होती हैं जिनको चर्चमैन चर्च में ही प्ले किया करते थे. सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, यहां मिस्ट्री प्लेस की फोर साइकिल्स थी. फोर साइकिल्स का सेंस है कि फोर पार्ट थे, फोर जो है चर्चेस थी जो अपने ड्रामा एपिसोड्स में प्ले किया करते थे.
उनमें फोर साइकिल्स हैं, यॉर्क साइकिल, कावेंट्री साइकिल, वेकफील्ड साइकिल एंड चेस्टर साइकिल। इसको हमने उनके जो है नंबर ऑफ एपिसोड के घटते हुए क्रम में लिखा है। सबसे पहले लिखा है यार्ड साइकिल, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह कम है एक्चुअली, मेरा जो बोर्ड है ये मैंने टेम्परेली यूज किया है, अभी जो है हम प्लान में है बोर्ड को बड़ा करेंगे, व्हाइट बोर्ड लगाएंगे, हमने टेम्परेली लगाया हुआ है, जो है एक काम चल जाए जिससे कि आपका जो है पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, वीडियोज कंटिन्यू रहें, इसलिए हमने इसको टेम्परेरी व्यवस्था आपके लिए दी है और बहुत जल्दी हम आपको इसको बोर्ड को बड़ा कर देंगे। तो आइए फिर से वापस लौटते हैं। तो पहला जो यार्क साइकिल है, यार्क साइकिल में 48 एपिसोड्स, 48 एपिसोड्स का मतलब है 48 प्लेज। सेकंड इज कावेंट्री साइकिल, COVENTRY, कावेंट्री, कावेंट्री साइकिल में 42 एपिसोड्स आपको मिलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज वेकफील्ड साइकिल, वेकफील्ड साइकिल हमने यहाँ लिखा है 32, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर 30 एपिसोड्स मिलते हैं और कुछ जगहों पर 32, तो हम लोग 32 मान करके चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट चेस्टर साइकिल, चेस्टर साइकिल का सबसे कम है जो कि है 25। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी, सबसे ज्यादा किसमें है यार्क साइकिल में 48, सबसे कम किसमें है चेस्टर साइकिल में 25। और एक इसका एग्जांपल है जो फर्स्ट रजिस्टर्ड मॉरल्टी प्ले है, सॉरी मिस्ट्री प्ले है, जिसका जो है रिकॉर्डेड प्रूफ हमें मिलता है, वो है ल्यूडस डी सेंटा कैथरीना। ल्यूडस डी सेंटा कैथरीना इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मिस्ट्री प्ले, रिकॉर्डेड का सेंस है कि इसका रिकॉर्ड मिलता है रिटन में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने इस ड्रामा रिलीजियस ड्रामा में, दैट इज मिरेकल प्ले। ये मिस्ट्री प्लेस का डेवलप ग्रुप है। सेकंड थिंग, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एक के बाद एक नहीं है बल्कि लगभग पैरेलल चल रहे हैं, ठीक ना? ऐसा नहीं कि इसके खत्म होने के बाद ये शुरू हुआ, ये था तभी ये शुरू था, ये था तभी ये भी था, ये भी था, मींस ये साइड बाय साइड चल रहे थे। और इनका जो टाइमिंग था वो था सेकेंड हाफ ऑफ 16th century, मींस आफ्टर टाइम ऑफ 1550। तो हम लोग बात कर रहे थे मिरेकल प्लेस की, मिरेकल प्लेस जो है सेंट्स की लाइव्स और उनके मिरेकल्स एंड मिरेकल्स ऑफ मदर मेरी, इनसे बेस्ड थे। ये भी चर्चेस में ही होते थे, चर्च से रिलेटेड थे, चर्च में इसको परफॉर्म करते थे। इसकी जो फेमस साइकिल है वो है द मिरेकली, सॉरी द मिरेकल्स एंड ड्यू नोट डेम। ड्यू नोटरी डेम में 42 प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मिरेकल प्ले है क्या, मिरेकल प्ले क्या है, सेंट्स की लाइव्स पर बेस्ड प्ले और उनके मिरेकल्स पर बेस्ड प्ले, ठीक है। और नेक्स्ट पर हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मोरलिटी प्ले। मोरलिटी प्ले क्या है, एक एलिगोरिकल प्ले है। एलिगोरिकल प्ले मीन्स जिसमें सिंबॉलिक वे में मैसेज कन्वे किया जाता है, और यहां मैसेज क्या करना है कन्वे, वो मोरालिटी का मैसेज कन्वे कर रहा है। मींस यहां पर जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं हैं, कैरेक्टर्स इन मोरालिटी प्लेज आर टाइप्स एंड दे रिप्रेजेंट्स वाइसेस एंड वर्च्यूज। वो वाइस और वर्च्यू का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, साथ ही साथ ये गुड एंड बैड के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाते हैं, गुड और बैड के बीच के वार को दिखाते हैं और गुड की विक्ट्री बैड पर दिखाते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है वो है एवरी मैन। मैं एक चीज यहां क्लियर करूं, ये एवरी मैन और बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर दोनों डिफरेंट चीजें हैं। उसमें मोरलिटी प्ले के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एवरी मैन है, वो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर है। इसके लास्ट पार्ट पर हम चलते हैं, दैट इज इंटरल्यूड। इंटरल्यूड जो है पूरा प्ले नहीं है बल्कि एक शॉर्ट प्ले है, ठीक है, जो बिगनिंग में सेरेमनीज के टाइम, बैंक्वेट्स के टाइम, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे उनके घरों में जो फेस्टिवल्स होते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस पर, और जो उनके यहाँ फीस्ट हुआ करती थी, बैंक्वेट्स हुआ करते थे, जो भोजन का कार्यक्रम होता था, उनके दौरान इनका परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट के लिए होता था। दूसरा फिर इनका यूज
दो प्लेज के बीच में या किसी सीन के ब्रेक के बीच में, मींस ब्रेक के टाइम को एंटरटेन करने के लिए इनका यूज किया जाता था। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है, जहां से क्वेश्चन आता भी है, वो जॉन हेवुड का फोर पीस है। फोर पीस से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये फोर पीस कौन थे, इनके नाम आपको याद होना चाहिए, पामर, पेडलर, पोथिकेरी एंड पार्डनर। क्लियर, इन चार के नाम आप बिल्कुल जरूर याद रखें, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपके रिलीजियस ड्रामा। हाँ, एक चीज और छूट रही है, जो जीबी शाह का एप्पल कार्ट है वो भी मॉडर्न इंटरल्यूड का टाइप है। तो ये इतनी बातें हमने कही रिलीजियस ड्रामा के विषय में। तो रिलीजियस ड्रामा में बस इतना, इसको आप अगर समय आपके पास होता है आप बुक से, डेविड डचेस में आपको बिगनिंग में काफी डिटेल में दिया है तो वहां आप पढ़ सकते हैं। डेविड डचेस में ये चैप्टर जिसमें फ्रॉम ड्रामा बिगनिंग टू मार्लो लिखा है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। चैप्टर बिगनिंग टू मार्लो पूरा उन्होंने लिया है, इसको हमने दो पार्ट में करके आपको इस तरह से बताया। पहला पार्ट हमने आपको रिलीजियस ड्रामा बता दिया, जब सेकेंड पार्ट में हम आपको बात करेंगे बिगनिंग ऑफ आर्टिस्टिक प्ले, जिसमें हम आर्टिस्टिक प्ले की बिगनिंग से लेकर के यूनिवर्सिटी विट्स के लास्ट पर्सन यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो तक की बात करेंगे। इस पर हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा, आप कुछ और नए टॉपिक्स चाहते हैं, जो भी सजेशंस हैं, जो भी सुझाव हैं, जो आपको फील होता है, आप इसके विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे हमें अपनी टीचिंग की क्वालिटी बेटर करने में, आपको बेटर मटेरियल प्रोवाइड करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट थिंग, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारी रेगुलर क्लासेस, अगर आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज या उसके आसपास के जिलों में रहते हैं या फिर यहाँ आकर के रह सकते हैं, तो हमारी क्लासेस प्रयागराज में 1 बजे से 5 बजे के बीच में, मींस 4 आवर्स की क्लास हमारी डेली होती है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल फी में हमने रखी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, आप यहाँ से भी सेल्फ स्टडी से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, ऑल द बेस्ट।